यस सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल. एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक क्लास एंड फंक्शन. ओके, सो entire screen. Okay, I'm sharing my screen. Now my screen is my screen visible to all? सबको विजिबल है ना स्क्रीन? हेलो. ओके, यस सर। ठीक है, तो आज शॉर्ट ही है क्लास, ज़्यादा बड़ी नहीं है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ओके, उससे पहले एक बार सिलेबस फिर भी बता दें जिनको क्लियर नहीं है कि भाई क्या है सिलेबस में. ठीक है, ये रहा. तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं कुछ प्रोग्राम्स जो कि आपके 6 तक है. ठीक है ना, 6 तक हमने कर लिया, जिसमें फ्रेंड फंक्शन भी हो गया है. तो ये आपको कंप्लीट करने थे, और आई थिंक मैंने कुछ अपलोड के लिए भी मैंने कुछ मैसेज किया था, या तो असाइन सबमिशन हो गया होगा. मैंने अभी तक व्यू नहीं किया है बिकॉज कि कल छुट्टी हो गई थी, हॉलीडे हो गया था, तो मैंने उनको व्यू नहीं किया है. ठीक है, तो आज मैं करके, और अभी अटेंडेंस फॉर्म भी मैंने नहीं बनाया तो वो साथ में डाल दूंगा आज का. क्लियर है? तो 6 तक आपको सबमिट करने थे, देन 6 या 5 जो भी मैंने दिया होगा वो आपको सबमिट करने थे. देन अब यहाँ पे आपका 7th है जो टुडे हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 7th असाइनमेंट, राइट प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ कॉन्स्टेंट डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, स्टेटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन क्लास. हाँ सर, 5 तक दिए थे सर. हाँ, 5 तक वो जो भी है आप सबमिट कर दिए होंगे, वो okay, देख sir. लेंगे, अभी मैंने देखा नहीं है. ठीक है ना, फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल से मैंने कहा था 6, 7, 8 सबमिट करने के लिए ना, ऐसा कहा था. ठीक है, तो वो कर लेंगे. तो मैंने कुछ कॉन्स्टेंट डाटा मेंबर तो पहले अर्लियर प्रोग्राम्स में बताए भी थे आपको. ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स में रिपीटेड थे, और आपने जो प्रोग्राम बनाए होंगे और अगर एडिशनल कुछ किया है किसी ने तो वो भी अच्छी बात है, तो वो भी देख लेंगे असाइनमेंट में जो भी आया होगा. ठीक है, तो टुडे वील डिस्कस रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, डाटा स्टेटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए क्लास. तो मेंबर फंक्शन इन ए क्लास तो क्लियर है ही सबको. अब हमारा जो मेन है पर्पज वो स्टेटिक डाटा मेंबर और मेंबर जो भी स्टेटिक फंक्शन होगा वो. ओके, और देन ये इनहेरिटेंस का पार्ट जो 8th में है वो कुछ मैंने कवर कर लिया था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूंगा 8th असाइनमेंट में. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्टेटिक डाटा मेंबर एंड कॉन्स्टेंट डाटा मेंबर. ठीक है, तो शॉर्ट में ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, स्लाइड थोड़ी ज़्यादा है बट क्लियर हो जाएगी सबको. ओके, सो स्टार्ट विथ स्टेटिक ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट परसिस्टेंस. ओके, सो स्टेटिक ऑब्जेक्ट इज परसिस्टेंट, सो इट रिमेन्स इन ए मेमोरी अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. जब तक कि आपका प्रोग्राम रहेगा तब तक स्टेटिक ऑब्जेक्ट या जो भी है वो आपका जो वेरिएबल पार्ट रहेगा या जो डाटा है वो मेमोरी में स्टोर रहेगा, बिकॉज की वी हैव गिवन ए फिक्स एड्रेस फॉर दैट ऑब्जेक्ट, स्टेटिक ऑब्जेक्ट. ओके, यानी एक डिफाइन कर लिया हमने ऑब्जेक्ट जो कि आपका फिक्स रहेगा उसमें. देन नेक्स्ट इज द फाइल स्कोप, इट कैन बी सीन ओनली विद इन ए फाइल वेयर इट इज डिफाइंड. ठीक है, जो भी क्लास होगा या जो उसकी जो क्या कहते हैं फंक्शन होगा उसी में वो डिफाइन होगा. ठीक है, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट में. देन विजिबिलिटी, इफ इट इज डिफाइंड विद इन ए फंक्शन एंड ब्लॉक, इट इज इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू दैट फंक्शन एंड ब्लॉक, ऑलरेडी टोल्ड यू. इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन एंड ब्लॉक. जो भी फंक्शन है या ब्लॉक में जहाँ पे भी क्लास में डिफाइन है तो वहीं पे वो उसका स्कोप रहेगा, आउटसाइड नहीं रहेगा. ओके, देन क्लास, सो स्टेटिक मेंबर्स फॉर क्लास, सो इट एग्जिस्ट एज मेंबर ऑफ द क्लास रेदर देन एज एन इंस्टेंस इन द ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, क्लियर? एज ए मेंबर ऑफ द क्लास रेदर देन एज एज एन इंस्टेंस इन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. तो एक स्टेटिक
मेंबरी काउंट होगा वो, ओके। एंड दिस कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल इन अ स्टेटिक मेंबर फंक्शन। अगेन जो कीवर्ड होगा वो अवेलेबल नहीं होगा किसमें, स्टेटिक मेंबर फंक्शन में, वो जो हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो वी विल सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस एंड सच फंक्शंस में एक्सेस ओनली स्टेटिक डाटा मेंबर्स एज डिस्क्राइब इन क्लास। तो जो भी डिस्क्राइब होगा क्लास में तो उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस होंगे मेंबर फंक्शन, वो ही उसको एक्सेस कर पाएंगे स्टेटिक डाटा मेंबर्स को। तो देयर इज ओनली अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच स्टेटिक डाटा मेंबर ऑफ फॉर द इंटायर क्लास। तो ऑलरेडी वी हैव सीन सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस कि एक ही इंस्टेंस जो है सिंगल इंस्टेंस स्टेटिक डाटा मेंबर फॉर इंटायर क्लास, जो कि ऑलरेडी हमने कर चुके हैं ये काम, ठीक है। देन स्टेटिक डाटा मेंबर इज कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल, जो अनदर नेम है वो क्या है, इट इज कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल। एंड देन नेक्स्ट वन इज नॉन स्टेटिक डाटा मेंबर, मीन्स नॉर्मल और यू कैन से डायनेमिक फॉर एज पर द रिक्वायर्ड और कॉन्स्टेंट, ओके, नॉट डायनेमिक बट कॉन्स्टेंट। सो नॉन स्टेटिक डाटा मेंबर्स called as instance variable for that function or block, okay? Limited hoga unka scope, but wo instance count honge during that jo bhi aapka process hai ya block hai function hai uske liye. But static hoga wo kya hoga, as called as class variable, because wo class mein defined hai aur wo particular class mein hi uska scope hai, to wo as called hoga class variable. Then static member function, theek hai, it can only access static member data already defined in class or function and other static member function, while non static member of function can access all data members. theek hai, ye dhyan rakhna, difference between static data member and non static data member. theek hai, kya hoga static mein ki it can only access static member data or other static member functions, while non static member function can access all data members of the class. जितने भी है उसमें दोनों आ जाएंगे आपके, स्टेटिक एज वेल एज नॉन स्टेटिक, यानी आपने डिफाइन कर रखा है फिर भी वो क्या है, नॉन स्टेटिक जो मेंबर फंक्शन होगा वो एक्सेस कर पाएगा स्टेटिक एज वेल एज नॉन स्टेटिक बोथ, ठीक है, ऑल डेटा मेंबर्स आ जाएंगे। तो वी विल सी सम एग्जांपल्स, ओके। अब डेफिनेशंस भी अकॉर्डिंग टू यूज है, तो मैंने बताया जैसे स्टेटिक में भी यूज हो रहा है, देन नॉर्मल आपका नॉन स्टेटिक में भी यूज हो रहा है। सो फर्स्ट है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड स्टेटिक विद इन द बॉडी ऑफ ए फंक्शन मेंटेन इट्स वैल्यू बिटवीन इन्वोकेशन ऑफ द फंक्शन, कि जब इन्वोक होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन तब तक उसका क्या है वो मेंटेन होगा, ए फंक्शन मेंटेन इट्स वैल्यू जो भी स्टेटिक वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज स्टेटिक, ओके। देन ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड स्टेटिक विद इन ए मॉड्यूल बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, ओके। अगेन एक मॉड्यूल है उसमें आउटसाइड डिक्लेयर्ड है स्टेटिक वेरिएबल, सो इज एक्सेसिबल बाय ऑल फंक्शन विद इन दैट मॉड्यूल, ठीक है, जो आउटसाइड है। इनसाइड होगा फंक्शन तो पर्टिकुलर फॉर फंक्शन होगा, बट आउटसाइड है मॉड्यूल में, देन इट्स फॉर एक्सेसिबल बाय ऑल फंक्शन एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल बाय फंक्शन फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स। तो सिंपली एक क्लास के फंक्शन है मेंबर फंक्शन तो सिंपली वहाँ एक्सेस होगा, बट अदर्स जो भी क्लास है वहाँ पे वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन, स्टेटिक मेंबर एग्जिस्ट एज मेंबर ऑफ द क्लास रेदर देन एज एन इंस्टेंस इन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, ओके, एंड वी विल सी इन एग्जांपल आल्सो। सो स्टेटिक मेंबर एग्जिस्ट एज ए मेंबर ऑफ द क्लास, ओके, नॉट एज ए इंस्टेंस लाइक नॉन स्टेटिक मेंबर, ओके। And there is only a single instance of each static data member for entire class. Okay. Then again, next is non-static member function can access all data member of the class, both static and non-static. Okay. Then static member function can only operate on the static data member. Again, ये फिर से देखो, block नहीं है अब यहाँ पे, अब क्या है? Static member functions can only operate on the static data member. Yani within जो भी data होगा या variable होगा वो function के inside जो है function वो ही member function ही उसको operate करेगा. Okay. और एक example है but C से related है, तो आप you can see for C as well. ठीक है, C function declared static within a module may only be called by other function within that module. जो कि file scope होगा आपका,
ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, बट यू हैव टू नो दैट कि सी में भी इस तरह का है, ठीक है, बट वो क्या होगा, विद इन फाइल स्कोप ही होगा, ठीक है। दो आ गए क्या, सेम सेम, ठीक है, चलो कोई बात, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट विद स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट परसिस्ट फॉर द टाइम इट कंस्ट्रक्टेड, ओके, अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड स्टैक एंड हीप ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। बट लाइक ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एट नेम स्पेस स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर स्टैटिक इनसाइड क्लासेज एंड फंक्शंस, ओके, एंड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर एट फाइल स्कोप आर इंक्लूडेड इन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ पे स्टैक और हीप एक्सक्लूडेड है, ठीक है, जो भी डाटा स्ट्रक्चर है वो एक्सक्लूडेड है, और एंड ऑफ द प्रोग्राम तक आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेंटेन रहेगा, और इट कैन बी ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट कैन बी ए नेम स्पेस स्कोप, इट कैन बी ए स्टैटिक इनसाइड क्लास एंड फंक्शन, एंड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड एट फाइल स्कोप, ठीक है, इंक्लूडेड इन स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो ये आपके स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं। देन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप रनिंग, जब एंड हो जाएगा प्रोग्राम का तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे आपके, एंड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे आफ्टर द प्रोग्राम स्टॉप्स, क्लियर है। तो ये बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो नहीं रहेगा एज ऑब्जेक्ट, बट अदर जो भी चीज है, जो भी क्लास के विद इन है, ठीक है, नेम स्पेस स्कोप है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड विद इन फाइल है, तो वो वहीं पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट रहेंगे, आउटसाइड नहीं रहेंगे, ठीक है। देन स्टोरेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन और बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक हैव स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, जब तक कि वो प्रोग्राम है तब तक वो ड्यूरेशन रहेगा, आफ्टर दैट ड्यूरेशन क्या होगा, स्टैटिक स्टोरेज विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके, and they persist for the entire running of the program, okay. These variables can be classified as three groups in terms of linkages. So first is external linkages, okay, jo ki aapka dynamic ho sakta hai linkages for static, but depends karta hai ki aap usko kis tarah se process karte ho, theek hai. And internal linkages jo ki already usme hai ki aapne ek bar define kar diya hai usko, okay, aur assign kar diya hai kisi ko bhi. Then no linkages, ओके, सम डाटा मेंबर्स हैव नो लिंकेजेस, ओके, जब उनका पर्टिकुलर जो यूज है, ठीक है, वो आपने कर लिया, देन देयर इज नो नीड टू लिंकेज दोज वेरिएबल्स एज ए स्टेटिक, ओके। देन सिंस द स्टेटिक वेरिएबल्स स्टे द सेम थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम, दे आर इजी टू डील विद फॉर द मेमोरी सिस्टम एंड दे आर अलोकेटेड इन ए फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो जहाँ पे भी फिक्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा वहाँ पे ही स्टेटिक होगा, डायनेमिक अगर वेरिएबल्स हैं तो उनके लिए मेमोरी ब्लॉक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और नीड्स, किस तरह से प्रोग्राम में आपने लॉजिक किया है तो वहाँ पे वो रहेगा डिफरेंट फॉर डायनेमिक, बट इन केस ऑफ स्टेटिक देयर इज अ फिक्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और उसमें भी आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शंस, वेरिएबल्स, एक्सटर्नल लिंकेजेज है, इंटरनल लिंकेजेज है, देन नो लिंकेजेज है, ओके। नो लिंकेजेस मीन्स कि एक बार अगर आपने यूज किया और नेक्स्ट टाइम आप यूज नहीं करना चाहते हो, मीन्स वो सिंगल ही हो गया एक तरह से, और उसमें कोई नेक्स्ट जो भी उसको यूज नहीं करेगा, ओके। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स विद डिफरेंट ड्यूरेशंस। सो यू कैन सी हियर ए सिंपल प्रोग्राम, सो int a इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक बार आपने वैल्यू असाइन की a को 1, देन स्टैटिक, नाउ यूज स्टैटिक कीवर्ड, ओके, हियर फॉर int b इज इक्वल टू 2, अब ये फिक्स हो गया, बी के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। देन int main void f कोई फंक्शन है, ओके, विदाउट आर्गुमेंट, सो देयर इज अनदर स्टैटिक वेरिएबल, यू कैन सी हियर स्टैटिक int c इज इक्वल टू 3, ठीक है, देन अनदर वेरिएबल इज int d इज इक्वल टू 4। तो नाउ वी कैन सी हियर, सो ऑल द स्टैटिक वेरिएबल परसिस्ट अंटिल प्रोग्राम टर्मिनेट्स, तो ये आपके जो भी हैं b और ये जब तक रहेंगे जब तक कि वो प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। द वेरिएबल्स डी हैज लोकल स्कोप, ओके, ये लोकल स्कोप कहाँ पे, ये जो फंक्शन है आपका विद इन दैट स्कोप डी, ये आउटसाइड नहीं होगा, एंड नो लिंकेज, इट इज नो यूज आउटसाइड ऑफ एफ, यानी एक बार आपका यहाँ पे यूज हो गया, जैसे मैंने बताया कि वन टाइम आपका हो गया
एक स्टोरेज मिल गया, फॉर टेम्परेरी स्टोरेज भी है जब तक कि वो फंक्शन वर्क कर रहा है, ओके। बट सी रिमेन्स इन ए मेमोरी, बट सी यानी डी क्या है आपका डिस्ट्रॉय, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट ये जो कब तक रहेगा ये सी वाला, ये जब तक कि प्रोग्राम रहेगा। ये डिफरेंस है स्टेटिक और नॉन स्टेटिक में, ओके। तो बट सी रिमेन्स इन मेमोरी इवन व्हेन द एफ फंक्शन इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड, एंड बाय सेइंग दैट सी इज ए स्टेटिक एंड वी आर सेइंग दैट वी वांट टू अलोकेट इट वंस एंड ओनली वंस एंड एट द सम पॉइंट बिफोर द फर्स्ट टाइम दैट एफ फंक्शन एफ इज कॉल्ड एंड दैट विल डू नॉट वांट टू डी अलोकेट इट एज लॉन्ग एज अवर प्रोग्राम रन्स। तो आपका ये हो सकता है कि जो फंक्शन एफ है ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकता है, बट विद इन दैट स्कोप जो भी है आपका, उसमें ये आपका सी जब तक रहेगा कि उसको जितनी बार भी कॉल कर रहे हैं सी, तो ये स्टेटिक आपका रहेगा जब तक कि एंड नहीं हो जाता प्रोग्राम कंप्लीट, जो मेन प्रोग्राम है आपका। तो अभी यहाँ मेन प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है आपका दिख रहा है, ठीक है, बट आप कुछ लॉजिक करा रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, और ये स्टेट आपका स्टेटिक सी बार बार यूज होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एफ, ठीक है, जब तक कि ये मेन जो भी अपने प्रोग्राम है ये कंप्लीट एंड नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता कंप्लीट, ओके, तब तक ये डी एलोकेट नहीं होगा, वो मेमोरी में स्टोर रहेगा, ओके। और सेम यहाँ पे जो आपका बी है उसके लिए भी सेम रहेगा। सो बोथ ए एंड बी कैन बी एक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन अंटिल द एंड ऑफ द फाइल एंड बट ए कैन बी यूज इन अदर फाइल बिकॉज इट हैज एक्सटर्नल लिंकेज। तो अब ये एक्सटर्नल लिंकेज यहाँ पे किसके लिए बन रहा है, ए के लिए बन रहा है, और जो नो लिंकेज किसके लिए था आपका, डी के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे ए आपका स्टेटिक नहीं है, नॉन स्टेटिक है, सो ये क्या हो सकता है, अदर जो भी एक्सटर्नल अदर जो है यू कैन से फाइल या जो भी आपका फंक्शन है उसमें भी ए आपका यूज हो सकता है, बट स्टेटिक बी और सी आपका वो विद इन दैट स्कोप जो भी है उसका उसी में वो रहेगा, और कब तक रहेगा, जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं हो जाता या एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं हो जाता, क्लियर, ठीक है। और एग्जांपल हमारे पास वी कैन सी हियर सम एग्जांपल्स मोर, सो ऑल स्टेट ड्यूरेशन वेरिएबल्स हैव द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनिशियलाइजेशन में क्या रहेगा, फॉर स्टैटिक एंड अन इनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल सेट टू जीरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेट टू जीरो, हमने अभी स्टैटिक जो है आपका यहाँ पे कीवर्ड यूज नहीं किया है, ओके। तो यू कैन सी हियर int x जिसमें कि ऑलरेडी जो सेट टू जीरो उसको इनिशलाइज किया है जीरो, ठीक है। देन ए स्टेटिक वेरिएबल कैन बी इनिशलाइज ओनली विद इन ए कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, स्टेटिक वेरिएबल कैन बी इनिशलाइज ओनली विद ए कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओनली क्या है, अनइनिशलाइज है एक्स, देन एक लिटरल कॉन्स्टेंट से कि आपने एक कॉन्स्टेंट दे दिया इसको y, ठीक है, y इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट कीवर्ड यूज नहीं किया है, बट हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दिए y को एज ए लिटरल कॉन्स्टेंट। देन अगेन z में आपका क्या है, साइज ऑफ int, ओके, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि उसकी जो भी साइज है, ठीक है, जो भी int इसको प्रोवाइडेड होगा वैल्यू, तो z को असाइन कर दी। अब अगेन यहाँ पे देखो int z is equal to 10 into x, so not allowed because x is not constant, ठीक है, यहाँ पे x क्या है, constant नहीं है, so ये allowed नहीं है। अगेन यहाँ पे wrong भी है कि ये double आपका z use हुआ है, ठीक है, अब ये double जो हुआ है z, तो उसके according भी आपका ये fix नहीं है, because कि आपने यहाँ पे कुछ fix दे दिया था size of int, और अगेन x जो है आपका वो क्या है, एज एन कॉन्स्टेंट नहीं है कि आपने उसको कुछ वैल्यू अभी असाइन नहीं की है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट वो सेट टू जीरो है, बट आपने कुछ उसको असाइन नहीं किया है, ओके। देन आई एन टी मेन, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर देयर इज अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट एंड एक्सटर्न, ठीक है, सो अब हमको पता है कि कॉन्स्टेंट नॉर्मली कॉन्स्टेंट तो हो रहे हैं, बट वी हैव टू असाइन ए फिक्स्ड कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है, एक आपको डिफाइन करना है कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, और अगेन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो द कॉन्स्टेंट इन सी प्लस प्लस हैज गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट टू द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लासेस, ठीक है,
देन वाइल ए ग्लोबल वेरिएबल्स हैज एक्सटर्नल लिंकेज बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी आपको पता है कि आपने एक ग्लोबल वेरिएबल दे दिया कोई ए बी ठीक है और आपने उसको कोई डिफाइन नहीं किया एज ए स्टेटिक और कॉन्स्टेंट तो इट हैज एक्सटर्नल लिंकेज जो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा उसका एक्सटर्नल लिंकेज होगा देन ए कॉन्स्टेंट ग्लोबल हैज इंटरनल लिंकेज बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मली जो भी वैल्यू असाइन हो रही है तो वो नॉर्मल आपका कॉन्स्टेंट ग्लोबल जो है ठीक है कॉन्स्टेंट ग्लोबल है उसका क्या रहेगा इंटरनल लिंकेज रहेगा बाय डिफॉल्ट ओके और एक्सटर्नल लिंकेज नहीं होगा ठीक है बिकॉज कि एक विद इन स्कोप हो गया देन अदर वर्ड्स टी प्लस प्लस ट्रीट्स ए ग्लोबल कॉन्स्टेंट डेफिनेशन एज इफ द स्टेटिक हैज बीन यूज एज इन द फॉलोइंग कोड तो जैसे यहाँ पे हो रहा है कॉन्स्टेंट आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 ठीक है so it becomes like you can see here constant int a is equal to 10 becomes static constant int a is equal to 10 ठीक है यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज नहीं किया है स्टेटिक बट इट इज बिहेव लाइक स्टेटिक कॉन्स्टेंट आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 ड्यू टू इंटरनल लिंकेज बाय डिफॉल्ट ओके यानी ग्लोबल कॉन्स्टेंट हैज एक्सटर्नल लिंकेज अगर होता है ठीक है एज रेगुलर वेरिएबल डू द कॉन्स्टेंट डिक्लेयरर वुड बी एन एरर अगर ये ग्लोब एक्सटर्नल लिंकेज करेगा तो क्या हो जाएगा एरर्स करेगा क्रिएट ओके बिकॉज वी कैन डिफाइन ए ग्लोबल वेरिएबल इन ओनली वन फाइल ओनली ठीक है आप एक बार में एक ही ग्लोबल वेरिएबल उसमें एक विद इन फाइल कर सकते हो ओके एंड ओनली वन फाइल कैन कंटेन द प्रिसीडिंग डिक्लेरेशन जो भी डिक्लेरेशन किया है उसी के विद इन रहेगा वो फाइल के विद इन रहेगा देन अदर फाइल्स हैव टू प्रोवाइड डिफरेंस डिक्लेरेशन यूजिंग द एक्सटर्न कीवर्ड अगर अदर्स को यूज करना है तो कीवर्ड क्या रहेगा एक्सटर्न कीवर्ड फॉर दिस कॉन्स्टेंट ए इज इक्वल टू 10 ठीक है और उसमें ये ध्यान रखना है कि वो एक्सटर्नल यूज होगा यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड ठीक है अगर नॉर्मली आपने ऐसा लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा स्टेटिक कॉन्स्टेंट आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 ठीक है ओके ओके कोई इश्यू है अभी तक जो भी मैंने किया है क्लियर एग्जांपल्स और भी है ठीक है दो तीन स्लाइड और है मेरे ख्याल से तो उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा दो तीन नहीं ज़्यादा ही है थोड़ी ठीक है अभी कोई इश्यू हो तो पूछ सकते हैं अभी भी वेरिएबल में या जो भी आपके स्टेटिक में और एग्जाम्पल्स भी आएंगे कोड भी शो करूँगा मैं ठीक है अगर कोई इश्यू है तो अभी भी पूछ सकते हैं कोई इश्यू है अभी नो या यस कर दो चैट में ठीक है तो बिकॉज कि आगे कोड भी है तो वो भी मुझे एक्सप्लेन करना है सो तो नहीं गए भाई सभी ओके वेरी गुड रिप्लाई दोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा फास्ट हो जाएगा ओके तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि इफ यू वांट टू मेक इट एज एक्सटर्नल लिंकेज for that constant so you have to use extern keyword okay so next slide shows this for extern keyword so if we want to make a constant have external linkage we can use the extern keyword with constant keyword theek hai aapke paas ek constant keyword bhi hai extern bhi hai to wo kya karega to override the default internal linkage to ye kya kar dega isko non static kar dega for global variable theek hai So we should use the extern keyword to declare the constant in all files that use the constant. जो भी ये constant आप use कर रहे हो वहाँ पर आपको extern keyword use करना पड़ेगा तो that's the difference between regular external variable and constant. जो आप normal use कर रहे हो regular external variable और constant तो यहाँ पर वो difference हो जाएगा ठीक है You have to write keyword extern for making it for external linkages, okay? And for regular internal variable, we don't use the keyword. So normally, जो है variables external keyword, उसमें हम extend नहीं करते, ठीक है? Extend keyword use नहीं करते when we define a variable, but we use extend other files using that variable. तो जब भी हम जो भी हमने normal जो regular external variable लिया है, तो अगर उसको other files में भी show करना है, तो then we will use extend keyword, ठीक है? तो नॉर्मली ध्यान रखना है फॉर कॉन्स्टेंट के केस में आपको एक्सटर्न उसको अगर ग्लोबली करना है एक्सटर्नल लिंकेजेस करना है तो यू हैव टू राइट एक्सटर्न कीवर्ड ओके अगेन सम एग्जांपल्स सो यहां पे एग्जांपल एक्सटर्न डिक्लेरेशन डज नॉट डिफाइन द वेरिएबल अनलेस इट इज आल्सो इनिशियलाइज्ड इन द सेम स्टेटमेंट तो एक
विदाउट जो भी आपका अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है लाइक हियर एक्सटर्न आई एन टी एक्स, तो एक्स इज डिक्लेयर्ड हियर. ओके नाउ वी विल गिव सम वैल्यू, सो इट मेक्स फॉर दिस डेफिनेशन फॉर आई एन टी एक्सटर्न आई एन टी एक्स. सो आई 10 इज असाइन टू एक्स हियर, यू कैन सी हियर. ओके एक्सटर्नल आई एन टी एक तो हमने सिंपली डिक्लेयर कर दिया है, देन आप उसको फिर वैल्यू. और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये विदाउट कॉन्स्टेंट है. ओके नॉर्मल रेगुलर एक्सटर्नल वेरिएबल है ये. ओके देन अगेन सी के लिए आप देख सकते हो, सी के जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल हैं वो सी में आपके प्रोग्राम में देख सकते हो. तो ये एक सिंपल कि जिनको सी आती है तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड नॉर्मल जो रेगुलर एक्सटर्नल वेरिएबल. ओके तो ये नॉर्मल आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया सिंपली नॉर्मल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है. ओके और उसको फिर देन यू हैव डिफाइंड हियर एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है देन अब स्टोरेज रहेगा अगेन. ठीक है डायनेमिक अलोकेशन तो मैंने बताया भी था पहले. ठीक है तो डायनेमिक मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर. ऑलरेडी वी नो अबाउट न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर. ठीक है हमने पहले प्रोग्राम कर चुके हैं. एंड नॉट बाय द स्कोप एंड लिंकेज रूल्स. ठीक है डायनेमिक के केस में क्या रहेगा, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर रहेंगे. ओके एंड डायनेमिक मेमोरी कैन बी एलोकेटेड फ्रॉम वन फंक्शन एंड फ्रीड फ्रॉम अनदर फंक्शन. ठीक है क्या होना पड़ेगा कि एक जो भी आपका जो अलोकेट किया है उसको एक ही बार में एक फंक्शन यूज करेगा, और नेक्स्ट फंक्शन अगर यूज करना चाहता है तो फ्री होगा. ठीक है बाय जो भी प्रीवियस फंक्शन था उसको फ्री करना पड़ेगा, देन अनदर फंक्शन कैन यूज दैट मेमोरी डायनेमिक मेमोरी. ओके एंड स्टोरेज स्कीम डोंट अप्लाई टू डायनेमिक मेमोरी. ओके दे डू अप्लाई द ऑटोमेटिक एंड स्टेटिक पॉइंटर वेरिएबल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ डायनेमिक मेमोरी. तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर आई एन टी पॉइंटर PTR is equal to new INT 10. ओके एक आपने उसको पॉइंटर को कुछ वैल्यू असाइन की है INT 10. ओके और यहाँ पे आपने एक न्यू कीवर्ड भी यूज किया है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ओके और फॉर डिलीट दैट यू हैव टू डिलीट कीवर्ड. ओके यू हैव टू यूज दैट डिलीट कीवर्ड फॉर दिस पॉइंटर. ओके देन हियर 40 bytes ऑफ मेमोरी allocated by न्यू रिमेन्स इन मेमोरी अनटिल द डिलीट फ्रीज इट. ठीक है जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक 40 bytes ऑफ मेमोरी allocate रहेगी, बट द पॉइंटर PTR passes from existent when the function containing its declaration terminates. ठीक है पॉइंटर का काम अलग रहेगा बट जो मेमोरी एक बार allocate हो गई है जब तक कि उसको डिलीट नहीं करेंगे यूजिंग डिलीट कीवर्ड तब तक वो डिलीट नहीं रहेगी. ओके So if we want to have the 40 bytes of allocated memory available from another function, we need to pass or return it address to that function. So jo important kya hai, allocate to ho gayi but we need to pass or return its address to that function. Jo other function hai uske liye aapko karna padega. Ya phir simply you have to first apne allocate kiya then delete kiya. Again phir aap jo next function hai uske liye phir new karke new allocate karke phir usko delete kar sakte ho. Ya simply you have to pass or return its address to that function. Okay. तो यहाँ पे example भी है कुछ. ठीक है तो यहाँ पे external linkage है with pointer. ठीक है pointer will be available using like here extern int pointer PTR. Okay. And a statement that uses new to set PTR has to be a function because static storage variable can only be initialized with constant expression. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है अगेन. ठीक है विदाउट एक्शन क्या है, INT पॉइंटर PTR इनिशियलाइजर विथ नॉन कॉन्स्टेंट नॉट अलाउड हियर. ओके तो नॉन कॉन्स्टेंट नॉट अलाउड हियर एंड देन INT पॉइंटर PTR इज इक्वल टू न्यू INT 10. ओके नाउ हियर यू कैन सी जब यहाँ पे मेन फंक्शन में यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, PTR इज इक्वल टू न्यू पॉइंटर INT 10. ठीक है सिंपली आपका क्या है, विदाउट एक्सटर्न यू कैन यूज दिस डायनेमिक मेमोरी फॉर पॉइंटर पी. ठीक है तो यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज विथ नॉन कॉन्स्टेंट नॉट अलाउड हियर. ओके और सिंपली अगर आप उसको एक्सटर्नल लिंकेज देना चाहते हो तो यू हैव टू यूज एक्सटर्न आई एन टी कार पी टी आर. ओके नाउ स्टेटिक क्लास मेंबर.
तो स्टैटिक मेंबर एग्जिस्ट एज मेंबर ऑफ द क्लास रेदर देन एज एन इंस्टेंट इन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑलरेडी वी नो दैट ओके सो दिस कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल इन अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन ओके सच फंक्शंस में एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड देयर इज अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ ईच स्टैटिक डाटा मेंबर फॉर इंटायर क्लास विच शुड बी इनिशियलाइज्ड एंड यूजली इन द सोर्स फाइल दैट इम्प्लीमेंट द क्लास मेंबर फंक्शन। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि सिंपली एक जो है स्टैटिक मेंबर क्या होगा विद इन दैट क्लास ही एक्सेस होगा, वो विद इन दैट क्लास स्टैटिक डाटा मेंबर होगा उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा ओके। एंड ए मेंबर इज इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन वी मस्ट यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम व्हेन वी इनिशियलाइज इट। ठीक है, तो जो मेंबर आउटसाइड होगा क्लास उनको प्रॉपरली, तो ऑलरेडी वी हैव सीन सम प्रोग्राम की जिसमें कि फंक्शन आउटसाइड थे बट यूजिंग वो यूज क्या कर रहे हैं विद इन दैट पर्टिकुलर जो स्कोप लोकल स्कोप है उसी में वो यूज हो रहे थे, बट जब आप मेन में जाकर उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर रहे थे तो यू कैन यूज द डाटा मेंबर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स है क्या है, क्लास नेम है, देन यहाँ पे हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे थे यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन में जो अदर आपके स्टेटिक मेंबर्स जो थे फंक्शन से यू कैन यूज देम यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन एंड देन जो भी वैल्यू उसको असाइन है वो रहेगा। ठीक है, तो वी विल सी सम एग्जांपल हियर ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कार डॉट सी पी पी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है वैल्यू असाइन हुई है, क्लास है क्या है कार है, देन आपके पास आईडी क्या है, ये आपका स्टेटिक जो मेंबर है ठीक है वो है आपका यहाँ पे क्या है आईडी ओके। और स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू आपने वैल्यू क्या दे दी है इसको 100, यानी कार आईडी इज इक्वल टू 100। देन आपने कोई अलग से कोई फंक्शन जो है कि विद इन दैट क्लास जो था मेंबर फंक्शन वो यहाँ पे यूज किया, तो यू कैन एक्सेस यूजिंग कार स्कोप रिजोल्यूशन कार फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है कोड इनिशियलाइज स्टैटिक आईडी मेंबर टू 100 ओके एंड दैट वी कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन अगेन बिकॉज द डिक्लेरेशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मेमोरी इज टू बी अलोकेटेड। तो उसके लिए आपको क्या है आउटसाइड द क्लास होगा। ठीक है, एंड इट डज नॉट अलोकेट मेमोरी ओके एंड वी अलोकेट एंड इनिशियलाइज मेमोरी बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दैट फॉर्मेट। तो यहाँ सिंपली हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं और यू कैन यूज दैट मेमोरी यूजिंग दिस कार फंक्शन ओके। तो वी कैन अलोकेट एंड इनिशियलाइज मेमोरी बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दैट फॉर्मेट। तो सिंपली इसके एग्जांपल और देखेंगे, ये पूरा क्लास का जो प्रोग्राम है ठीक है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेड है तो हम इसको रिपीटेड नहीं करेंगे वापस। ठीक है, ये रहा आपका प्रोग्राम। ठीक है, कार का प्रोग्राम है, क्लास कार है, देयर इज क्लास। ठीक है, इनम यू हैव गिवन सम वैल्यू कलर। ठीक है, अब क्लास में जो आपकी कार की कलर के लिए सिल्वर के लिए 0 है, देन मरून है, रेड है। ठीक है, देन ईयर है INT माइलेज दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैसेजेस है जिसमें कि एरर नॉन स्टेटिक डाटा मेंबर है। ठीक है, ये नॉन स्टेटिक डाटा मेंबर है आपका। देन ओनली स्टेटिक कॉन्स्टेंट इंटीग्रल डाटा मेंबर्स एंड कैन बी इनिशियलाइज विद इन ए क्लास। ठीक है, क्या होगा ओनली स्टेटिक कॉन्स्टेंट इंटीग्रल डाटा मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज विद इन ए क्लास। तो यहाँ पे आपने अब नेक्स्ट में क्या दे दिया स्टेटिक। ठीक है, स्टेटिक में आपने क्या दिया है स्टेटिक INT VIN इज इक्वल टू जो भी आपके 1 to 8 तक एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये VIN तो मुझे भी क्लियर नहीं है बट एक नंबर है। ठीक है, और ये माइलेज है, सो ईयर है एंड कलर है। ठीक है, तो स्टेट नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टेटिक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग मॉडल इज इक्वल टू सोनाटा। तो अब इसमें कोई नेम है, आई थिंक मॉडल जो है कार का मॉडल है उसका नाम दिया है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो स्टेटिक, यानी जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तो कोई कार जो क्लास है। ठीक है, अब कार डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है बट यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया कि एक VIN जो नंबर है वो रहेगा 1 to 8 एंड देन उसमें ये बाय डिफॉल्ट स्टेटिक रहेगा क्योंकि आपने स्टेटिक दे दिया है यहाँ पे। देन अगेन एक और स्टेटिक दे दिया है उसका नेम स्ट्रिंग। ठीक है, वो क्या दे दिया मॉडल जो कि सोनाटा है, यानी अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन स्टेटिक कॉन्स्टेंट
आईएनटी इंजिन। अब इंजिन का या तो टाइप है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, तो इंजिन इज इक्वल टू 6 है, और ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट है, एक तो स्टेटिक है सिंपल, ठीक है, और एक क्या है विद स्टेटिक कांस्टेंट, तो आपने कांस्टेंट को फिक्स कर दिया है यूजिंग स्टेटिक यहाँ पे, तो इंजिन और सोनाटा सेम रहेंगे, और यहाँ पे भी आपका स्टेटिक क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी ये दोनों चीज़ें सेम है बट यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है फॉर स्टेटिक, डिपेंड करता है कि उसके जो भी चेंज कैसे कर रहे हैं जो प्रोग्राम विद इन दैट प्रोग्राम, ठीक है, बट इस केस में, और यहाँ पे पहले क्या है जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तब तक ये मेंटेन रहेगी, ठीक है, बट यूजिंग कॉन्स्टेंट आपका क्या रहेगा ये फिक्स ही रहेगा हमेशा के लिए, ओके। तो अगेन आपने आउटसाइड क्या किया है, आउटसाइड द क्लास आईएनटी कार क्लास ले ली आपने, देन स्कोप रिजोल्यूशन है, देन ईयर है आपका यहाँ पे जो कि आपका मेंबर था यहाँ पे डाटा मेंबर था, ठीक है, नॉर्मल आपने उसको यूज करके एक वैल्यू असाइन की 2013 मीन्स की वो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है, ओके। देन यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, तो आप क्या प्रोग्राम बना रहे हो, एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि एक कार है और उस उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, और उसमें मॉडल नेम सोनाटा है, इंजन टाइप 6 है, और उसमें वैल्यूज दे दी, देन उसकी माइलेज के लिए आपने वैल्यू भी दे दी है, बट ये क्या है नॉन स्टेटिक मेंबर है, नॉन स्टेटिक डाटा मेंबर्स है, ठीक है, और उन्हीं का यूज़ करके आपने ईयर कर दिया, उसी तरह आपने माइलेज में भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंजन, बट यहाँ पे इंजन आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज एन इलीगल एक्सेस टू नॉन स्टेटिक मेंबर फ्रॉम ए स्टेटिक फंक्शन, तो यहाँ पे एक इलीगल के एक्सेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास एक्स है, पब्लिक है, पब्लिक में आईएनटी एक्स है, तो आपका यहाँ पे ये लोकल हो गया यहाँ पे क्लास विद इन दैट क्लास, देन अगेन एक स्टेटिक वॉइड फंक्शन आईएनटी कर दिया आपने, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है इलीगल एक्सेस हो रहा है यूजिंग वॉइड एक्स स्कोप रिजोल्यूशन एंड जो मेंबर फंक्शन है वो, देन एक्स इज इक्वल टू जेड, तो ये क्या इलीगल एक्सेस ऑफ नॉन स्टेटिक मेंबर है, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जेड इज एन एरर बिकॉज, सॉरी ये इसका डिफाइंड किया हुआ है इसी का, तो हियर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एज एन एरर बिकॉज एफ इज ए स्टेटिक फंक्शन, ठीक है, नॉर्मली क्या है ये बिकॉज की वी हैव डिफाइंड हियर ऑलरेडी यूजिंग स्टेटिक कीवर्ड फॉर फंक्शन एफ, तो इज ट्राइंग टू एक्सेस नॉन स्टेटिक मेंबर एक्स एक्स, ओके। अगर इस विद इन फंक्शन अगर कोई होता वेरिएबल या मेंबर तो वो यूज हो सकता था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं इलीगली एक्सेस कर रहे हैं एक्स को, ठीक है। अब इसको इन्होंने फिक्स कैसे कर दिया, यहाँ पे देखो क्लास एक्स पब्लिक स्टेटिक आईएनटी, अब हमने जो भी यहाँ पे था नॉन स्टेटिक था उसको क्या कर दिया स्टेटिक बना दिया, नाउ वी कैन यूज दिस एक्स फॉर दिस फंक्शन एफ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। देन स्टेटिक मेंबर फंक्शन के लिए अभी यहाँ पे तो वही है जो अभी मैंने बताया कि नॉन स्टेटिक मेंबर कैन नॉट बी यूज एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड सम फॉलोइंग कोड्स जो अभी आ रहा है, स्टेटिक नॉन स्टेटिक मेंबर कैन नॉट बी यूज एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ओके, रिपीटेड है ये, तो ये फंक्शन है आपका यहाँ पे यू कैन सी हियर, ठीक है, सिंपल एक ग्लोबल है एक्स ग्लोबल इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, अब ये स्टेटिक भी नहीं है बट ये इट्स ए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लास का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है फू, ठीक है, उसमें आईएनटी एक्स मेंबर है, ठीक है, ये सी का एग्जांपल है नॉट सी प्लस प्लस, ठीक है, देन स्टेटिक आईएनटी एक्स स्टेटिक है, फू आईएनटी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मेंबर है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन जो है उसने एक्सेस किया है कौन से लोकल जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो लोकल है डाटा मेंबर उसको एक्सेस किया है, ठीक है, विद इन दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। देन यहाँ पे आईएनटी एक्स ग्लोबल आपने अगेन एक्सेस किया है एक जो भी फंक्शन यहाँ पे ए, ठीक है, और रिटर्न एक्स के किया है, देन बी के लिए भी है, ठीक है, यहाँ पे भी किया है। अब यहाँ पे रॉन्ग क्या हो रहा है एक्स मेंबर है, तो ये इस पर्टिकुलर जो पार्ट है इसका है बट यहाँ पे ये यूज कर रहा है बी फंक्शन, ठीक है, तो वॉन्ट कंपाइल यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगी, देन अगेन यहाँ पे एक्स स्टेटिक है तो ये आपका स्टेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पे सी जो फंक्शन है वो इसको यूज कर रहा है बट विद इन स्ट्रक्चर है, ओके।
देन फू अगेन यहाँ पे आपका यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगी, बिकॉज कि हम जो ले रहे हैं वैल्यूज वो क्या है, यहाँ पे एक्स मेंबर में ये रॉन्ग हो रही है, ठीक है, या फिर ये सिंपली नॉट कंपाइल होगा, ठीक है, वार्निंग हो सकता है यहाँ पे। देन यहाँ पे फू एक्स स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू, एक्स स्टेटिक जो फंक्शन आपने यहाँ पे सी लिया था उसके थ्रू, जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू ये एक्सेस कर रहा है। देन फू F991, सो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है सिंपली F A एंड FB और FC, ठीक है, तो फंक्शन जो भी है उसको ये सिंपली प्रिंट कर रहा है। तो ये आप एक बार इसको प्रोग्राम को ट्राई कर लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम को करने की, ठीक है ना। सिंपली एक्सप्लेनेशन है कि आप कैसे किस तरह से जो भी आपके स्टेटिक वेरिएबल्स को कैसे या डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फिर से रिपीटेड चीज़ है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, तो वी विल गो टू सम एग्जांपल्स, ठीक है। थोड़ा थियरी है बट एग्जांपल होगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल, ठीक है। लास्ट टाइम आई हैव गिवन ए टूल फॉर परफॉर्मिंग C++ प्रोग्राम, तो यहाँ पे अगेन हम जा रहे हैं उसी साइट पे, ठीक है, C++.com पे ही है यहाँ पे, और जो साइड में दिया हुआ है यहाँ पे क्लासेस का है ऑप्शंस, ठीक है, तो उसमें सेकंड जो है क्लास उसी में आपका वो डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा स्टेटिक एंड कॉन्स्टेंट के लिए। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड दिस स्टेटिक मेंबर एंड कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपका दिया हुआ है क्लास कैन कंटेन स्टेटिक मेंबर्स एंड आइदर डाटा और फंक्शन, ठीक है। अगेन ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल, ठीक है, तो क्लास वेरिएबल काउंट होगा, स्टेटिक डाटा मेम्बर आपका, ठीक है, और बाकी चीज़ें सेम है। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टेटिक मेम्बर इन ए क्लास, ठीक है, तो एक क्लास है डमी, ठीक है, देयर इज ए स्टेटिक वेरिएबल INT N, ठीक है, डमी फंक्शन है आपका, और उसमें आपका एन इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट्स है तो एन इंक्रीमेंट हो रहा है सिंपली। देन डमी स्कोप रिजोल्यूशन में अगेन आपने इसको यूज़ किया, एन इज इक्वल टू 0 वैल्यू असाइन हुई है, ओके, बिकॉज दिस इज द फंक्शन, और आपने एन को थ्रू इसको क्या है कुछ वैल्यू असाइन किए। देन मेन में क्या है, डमी ए डमी बी 5 एक एरे हो गया आपका यहाँ, सिंगल एरे, ठीक है, B5। अब ये जो बी है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ए बी आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नाउ अब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसको एक्सेस कर रहे हो, एन को, तो ए डॉट एन, ठीक है, सो डमी स्टार सी इज इक्वल टू न्यू डमी, ओके, सिंपल, आपने नया एक अलोकेट की मेमोरी यूजिंग न्यू कीवर्ड यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी हियर, बिकॉज कि हम इसको डिलीट भी करेंगे अगेन, ठीक है। अगेन अब आप जो डमी है क्लास उसको क्या कर रहे हो, जो वैल्यू जो है एन के थ्रू जो थी वो स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू आप यहाँ पे सी आउट करोगे, ठीक है, तो अगेन आफ्टर दैट यू हैव टू डिलीट दिस सी, ठीक है। तो किस तरह देखो क्या हो रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट ए हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपका बी हो गया, देन आपने एक पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका सी, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कुछ अलोकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू डमी, ठीक है, और फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिंपली, आपने जो प्रीवियस कुछ एग्जांपल बनाए हैं तो जो कोड लिखे हैं, ठीक है, असाइनमेंट जो किए हैं, तो उनमें आप ये स्टेटिक एंड कांस्टेंट को यूज़ या इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कोई नया प्रोग्राम जैसे कार वाला था, ठीक है, या फिर आप कार वाले के अलावा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ आप स्टेटिक कर सकते हो, ठीक है, एडिशन या सबसेक्शन में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट कहीं पे जैसे आपका एरे वाला, एरे जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कुछ मेरे ख्याल से स्लो है ये सिस्टम, आपके आ रहा है थोड़ा, ठीक है, जो एरे वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, स्टेटिक एंड नॉन स्टेटिक, ठीक है। गेटवे टाइम आउट आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर है, या तो स्लो है इंटरनेट। तब तक देख लेते हैं दूसरा जब तक वो आता है, ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है तो वो आप देख लेना, मैं इसको नहीं बताता यहाँ पे, ठीक है, वी विल क्लोज विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, क्लास क्लोज कर लेंगे। तो सिंपल देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन, तो
व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्वालिफाइड एज ए कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट माई क्लास माई ऑब्जेक्ट, तो अपने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोग्राम है, अब यहाँ पे क्या है आपका माई क्लास है एक क्लास अपने, ठीक है, क्रिएट की हुई है। देन यहाँ पे एक लोकल आपका वेरिएबल आई एन टी एक्स है, ठीक है, माई क्लास है आपका यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, मेम्बर फंक्शन है, सेम क्लास नेम वाला है आपका, ठीक है, आई एन टी वैल्यू, देन यू हैव ए एक्स वेरिएबल फॉर दैट वैल्यू, ओके। देन यहाँ पे आई एन टी गेट, ओके, गेट जो फंक्शन है आपने यूज किया फॉर रिटर्निंग सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगेन आई एन टी मेन में आपने क्या कर रहे हो, जो आपने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट लिया एफ टेन, अब यहाँ पे यूज हो रहा है कॉन्स्टेंट माई क्लास एफ फू टेन, ओके, फू टेन, और आपने यहाँ पे एक पहले असाइन दिया जैसे फू डॉट एक्स, सिंपली आप क्या कर रहे हो इस एक्स को एक्सेस कर रहे हो यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट इक्वल 20, तो ये क्या हो जाएगा नॉट वैलिड, तो एट कैन नॉट एक्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बिकॉज कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दे दिया माई क्लास के थ्रू, इसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। देन आप उसको कैसे करोगे, सिंपली सी आउट जो भी यहाँ प्रोसेस होगा वो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन रहेगा, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो फू डॉट एक्स के थ्रू आपका क्या हो जाएगा डाटा या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, अगर ये रन हो जाए तो, ठीक है, एरर नहीं आ जाए, यहाँ पे तो एरर आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है आज, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, जब आपने डिफाइन कर दिया है कॉन्स्टेंट माई क्लास ऑब्जेक्ट, तो विद इन दैट क्लास ही रहेगा, बिकॉज की कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको कुछ असाइन हो रही है, तो यहाँ पे फू टेन है तो फू टेन ही होगा आपका, वो 20 नहीं होगा, ठीक है। तो एन एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपने मेंबर फंक्शन था, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या 10 होगी, वो वैल्यू किसको असाइन हुई है, एक्स के, एक्स को हुई है, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स को कुछ असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये एरे नहीं है, यहाँ पे आपने वैल्यू दी है कुछ, ठीक है ना, तो यहाँ पे फू डॉट एक्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्स से रिलेटेड, बट वो एक बार आपने कॉन्स्टेंट दे दिया, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं होता तब ये वैलिड था, अगर कॉन्स्टेंट नहीं होता तब ये वैलिड था, ठीक है। और सिंपली स्टेटिक में भी आपका क्या रहेगा, कि आपको जब तक स्टेटिक रहेगा तब तक आप उसमें वैल्यू जो भी है थ्रू आउट द प्रोग्राम वो सेम रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो आज ये चल नहीं रहा है मेरे ख्याल से ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन, ये अभी तक तो ओपन ही है वो सबमिशन के लिए, यू कैन सबमिट, ठीक है, और मैं उसको या तो क्लोज नहीं किया हो तो, और एक बार मैं देखूंगा, अभी मैंने उसको एक्सेस नहीं किया है, आज एक्सेस करके फिर देख के बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज कर देना वापस से, फिर हम उसको नेक्स्ट, बिकॉज कि ये C4 बैच में मैंने किया नहीं, कल मेरे को एक्सप्लेन करना था और देन आपको करना था, तो उनको मैंने किया नहीं है, आप कुछ असाइनमेंट बना लेना, ठीक है, अगर नहीं होता है देन आई विल प्रोवाइड सम असाइनमेंट्स आपको, जो भी ये स्टेटिक होता है, और ऑलरेडी आपने जो प्रोग्राम असाइनमेंट किया है आप उसमें भी ये स्टेटिक एंड कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं कि करना ही, बट आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेटिक एंड कॉन्स्टेंट कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और अगर आप यूज़ करते हो तो केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है, अगर आपने उसमें विदाउट लॉजिक यूज़ कर रहे हो तो आपको वो एरर ही शो करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो अटेंडेंस फॉर्म में अभी गूगल क्लासरूम में दे दूँगा, और ये आज के लिए इतना ही है, ठीक है, तो क्लास इज ओवर, और कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो, इफ एनी इश्यू यू कैन आस्क, स्लो ही है आज इंटरनेट, बिकॉज कि अभी मैंने जो मैसेज टाइप किया था वो बड़ा लेट गया है, ठीक है, तो इसलिए वो व्यू नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट लैब में फिर से हम रिपीट करें इसको, बिकॉज नाउ वी हैव फ्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, फ्यू असाइनमेंट्स ही हैं जिनको आपको करना है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 7 तक तो हम पहुँच गए, देन 8, 9, 10 और 11 और 12 है, जिसमें कि ऑलरेडी हमने क्या है कुछ चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी सिंपल है,
और इनहेरिटेंस आपको थोड़ा बहुत पता ही है. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, टेम्पलेट फंक्शन, फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट, ठीक है. और आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग रहेगा, तो कुछ केस में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी किया हुआ है. कुछ प्रोग्राम, आई थिंक वन प्रोग्राम मैंने बताया था, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग था, ठीक है, फिर भी हमको रिपीट करेंगे. और देन फाइल हैंडलिंग टेक्निक यूजिंग C++, तो ज़्यादा नहीं है, हम कवर कर लेंगे उसको. ओके ठीक है, वन बाय वन यू कैन लीव द क्लास. आई विल प्रोवाइड द अटेंडेंस फॉर्म इन गूगल क्लासरूम.